हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक है। आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं किसी दूसरे को दे दूं, उसका मालिकाना हक भी हो जाए, वो प्रॉपर्टी भी उसी का हो जाए। तो किन किन तरीकों से आप अपना मालिकाना हक दूसरे को दे सकते हैं, इस तरीके को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब सभी व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना पड़ता है। चाहे एक माता पिता हैं, वो अपने जीते जी वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे, या किसी अन्य व्यक्ति को दे जिसको वो देना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ वसीयत के थ्रू किसी दूसरे को, या किसी बच्चे को कम किसी को ज्यादा तभी दे सकते हैं जब उसके खुद की कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया हो। पैतृक संपत्ति को वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पैतृक संपत्ति में सभी बच्चों का समान अधिकार होता है। यहां हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना मालिकाना हक दूसरे को देना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से देंगे। तो फर्स्ट जो तरीका है वो सेल डीड बना के। लेकिन सेल डीड बनाते समय और जब उसको आप रजिस्टर कराते हैं उस समय एक ध्यान रखना चाहिए कि आपका अपना ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप सेल डीड बना रहे हैं वो ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। बात आती है सेल डीड का, तो सेल डीड में क्या हम करते हैं कि एक खरीदार पक्ष होता है, दूसरा विक्रेता होता है। अब उसका एक डीड बन जाता है। डीड बनाने के बाद उसको एसडीएम के ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्टर करवाने से यह फायदा होता है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ जाते हैं, सारा डिटेल आपकी जमीन का उस पे आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन का डिटेल रहेगा तो उससे वो देख सकता है, और कोई भी चीज हैड नहीं होता उसमें। तो पहला तो तरीका है, आप यदि अपना हक किसी को देना चाहते हैं तो सेल डीड के थ्रू भी दे सकते हैं, ट्रांसफर अपने प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं। दूसरा तरीका है गिफ्ट डीड का, क्योंकि सेल डीड में आपको स्टाम्प वैल्यू ज्यादा लग जाता है। तो कई व्यक्ति चाहते हैं कि हम गिफ्ट डीड के थ्रू दें। गिफ्ट डीड में सेल डीड के कंपैरिजन में कम स्टाम्प वैल्यू लगता है, लेकिन आप यदि ये चाहेंगे कि हम गिफ्ट के थ्रू तो किसी को दें लेकिन हमें स्टाम्प वैल्यू ना लगे, उसका रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, तो ये नहीं होता। गिफ्ट डीड भी एक स्टाम्प पेपर पे ही बनाया जाता है। स्टाम्प पेपर बनाने के बाद उस पे दो विटनेस का साइन होता है और उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में, यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 जो है उसमें ये चीज बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि जितनी भी अचल संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो इसीलिए गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी आप दूसरे को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, उसमें कोई ब्लड रिलेशन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं,
लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन भी करा लें। हाँ, आप यदि किसी को सोना चांदी देते हैं गिफ्ट में तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं उसका ट्रांसफर करना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जैसे आप किसी को घर दिए, जमीन दिए, तो ये सब गिफ्ट में यदि आप किसी को देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अब तीसरा जो तरीका है वो है रिक्लेसमेंट डीड, मतलब हक त्याग पत्र के द्वारा, डीड के द्वारा। इसमें भी आपको एसडीएम कोर्ट में इसका भी एक कॉस्ट लगता है नॉमिनल, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। और रिक्लेसमेंट डीड में भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये एक हक त्याग करने का अच्छा तरीका है। सेल डीड में तो चलो खरीद बिक्री की भी बात आती है, गिफ्ट डीड में गिफ्ट की बात आती है, लेकिन रिक्लेसमेंट डीड में क्या होता है कि मान लीजिए हम दो भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है जिसमें आधा का हिस्सेदार मैं हूं, आधा का हिस्सेदार मेरा भाई है। अब मैं चाहता हूं मेरा जो आधा हक है वो हक मैं ना लेकूं, इसी को दे दूं, तो एक रिक्लेसमेंट डीड बना लेते हैं और उस डीड के थ्रू हम उसको अपना हक त्याग करके दे देते हैं। तो ये रिक्लेसमेंट डीड होता है। तो यहां पर तीन तरीके हुआ मेन, सेल डीड के थ्रू, गिफ्ट डीड के थ्रू और रिक्लेसमेंट डीड के थ्रू। ये तीन बहुत ही अच्छा तरीका है। आप किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।